हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ये हो रहा है शाम का टाइम और शनिवार की शाम है। अभी मैं कर रही हूँ कूलर की सफाई। कूलर की सफाई भी करनी है, कूलर का घास चेंज करना है। जो इसमें मतलब जाली लगी हुई है ना अंदर की तरफ से, वो जाली टूट गई है। जाली टूटने की वजह से कूलर का जो घास है वो पानी में गिर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी गंदी हो जा रही है और मतलब बहुत ज़्यादा पानी फेंक रहा है, मोटर पे पानी पड़ रहा है, कूलर वाले मोटर पे। तो कूलर जल जाएगा, मोटर जल जाएगा, तो समझ लीजिए 1000 रुपये, नहीं तो 600-700 रुपये का खर्चा ज़रूर आएगा। तो इसलिए मुझे ये सब चेंज करना पड़ रहा है। मैंने सो ये मतलब पुराने घास की जो जाली इसमें लगी हुई थी, घास लगा हुआ था, वो मैं निकाल देती हूँ, और जो इसमें जाली लगी थी ये जाली भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने नई जाली मंगाई है। इनको मैंने अभी दोपहर में ही फ़ोन किया और शाम तक इन्होंने जाली भिजवा दी है। मैंने मतलब नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे शाम को भेजी इन्होंने, मतलब किसी और को भेज के दुकान से मंगवा के जैसे तैसे करके घर तक पहुंचवा दी थी इन्होंने, ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो। अगर कूलर का मोटर जल जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ये देखिए, मैंने धागा बांध के इस घास को जैसे तैसे रोक रखा था। ये घास बार बार गिर जा रहा था कूलर में से, और इसको मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। पानी भी गिर रहा था और मतलब कूलर इतना ठंडा भी नहीं हो रहा था। बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। और ये नया वाला घास तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, मैं लाई थी शिवानी से मार्केट से, तो पड़ा हुआ था। और अभी मतलब कूलर में जो पानी है ना, मैं सोच रही हूँ ये पानी निकाल के फ्रेश पानी भर देती हूँ। वैसे मैं बदल देती हूँ पानी, 2-4-5 दिन तक तो मैं उसी पानी में पानी भर देती हूँ, लेकिन 4 दिन में 5 दिन में मैं सारा पानी गिर के मतलब पानी फेंक के और इसको धुल के इसमें डिटॉल डाल के चालू करती हूँ इसको। इससे क्या होता है, इसमें डेंगू के मच्छर नहीं पनपते। और मैंने सोचा जो पानी इसके अंदर है ना, उसी पानी से इसको धुल देती हूँ। ये देखिए, खिड़कियों में थोड़ी घास, धूल, मिट्टी ऐसा सब कुछ था। अलग से पानी से धोती मैं, लेकिन जब पानी इसी में है तो मैं अलग से पानी क्यों यूज़ करूँ, क्यों ना मैं इसी पानी से धो लूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उंगलियों से दबा के प्रेशर चालू कर दिया था उसका। पानी वाला मोटर मैंने चालू कर रखा है, पंखड़ी बंद है, मतलब जो मोटर पंखे वाला जो मोटर है कूलर वाला वो बंद कर रखा है, जो पानी वाला मोटर है वो चालू कर रखा है। और सारा पानी इसी तरह मैंने निकाल दिया, इससे मुझे पानी अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कूलर खाली करना है तो ऊपर से कूलर का निकाल दीजिए और पानी अपने आप निकल जाएगा। आपको बाल्टी, डल्लू ये सब डाल के मतलब पानी खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे देखिए, थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा हो गया था, घास वगैरह बार बार गिरने की वजह से कूलर का पानी गंदा हो रहा था। बार बार इसमें कुछ ना कुछ गिर रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये सारा पानी मैं पोंछ देती हूँ। कूलर को पेंट कर रहा था हमने, थोड़ा थोड़ा पेंट निकल गया इसका, क्योंकि पिछले साल नहीं किया था हमने पेंट, उससे पिछले साल हमने पेंट किया। पिछले साल तो मैं पूरा साल मायके ही रह गई थी पूरी गर्मी, तो फिर मैं कूलर निकाला ही नहीं। मैंने बहुत कम 1-2 महीने ही कूलर चलाए थे हमने, जुलाई में आई थी लास्ट में, और अगस्त सितंबर 2 महीने ही चलाया था मैंने, बस 2 महीने चला था। इसलिए हमने कूलर को ज़्यादा पेंट उंट नहीं किया, वैसे रख दिया था। तो पिछले साल और इस साल मिला के इतना मतलब पेंट निकल गया इसका। और पानी देखिए, मुझे बाल्टी से ही भरना पड़ता है, क्योंकि मतलब यहाँ मतलब टूटी उटी का सिस्टम नहीं है, नलकी से पानी आता है और मैं बाल्टियों में, टंकियों में भर लेती हूँ और वही पानी यूज़ करती हूँ जो कि आपने देखा है। तो मैंने कूलर का पानी भर कर दिया। अब मैं इसमें सेजलॉन है, डिटॉल है, जो भी है आपके घर में है वो आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आप खुशबू चाहते हैं तो थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, शैम्पू डाल सकते हैं कि मतलब थोड़ी खुशबू आए कूलर में। कई बार खुशबू नहीं, बदबू आने लगती है घास में, मतलब जो थोड़ा मौसम ख़राब होता है ना तो घास में बदबू आने लगती है कूलर के। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें परफ्यूम मार देती हूँ खिड़कियों में, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप ट्राई करना इस चीज़ को, मैं तो करती हूँ, आप भी करना। तो ये देखिए, मैं नया वाला घास इसमें लगा देती हूँ और नई वाली जाली भी लगा देती हूँ। जाली अभी नई आई है, एकदम न्यू जाली ला के दी है इन्होंने मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और ये जाली तब से है, मतलब कूलर 8-9 साल पुराना है हमारा, तब से मतलब ये कूलर चला है और वही जाली चल रही है। हम क्या करते हैं, हर साल कूलर को जब मतलब अक्टूबर नवंबर में जब हम कूलर बंद करते हैं अक्टूबर में, तो क्या करते हैं, कूलर को धुल के अच्छे से सफाई करके कूलर को पेंट कर देते हैं, तो एकदम नया और मजबूत बना रहता है। देखिए, लो का कूलर है तो पानी से जंग खा जाता है, ये सब आपको भी पता होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कूलर की लाइफ लंबी हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रोज़ रोज़ इस तरह की चीज़ें खरीदी नहीं जाती, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीद सकते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं नहीं कर सकते। तो अभी मतलब मैं इसमें जाली लगा रही हूँ। जाली जो है ना, ये थोड़ी सी बड़ी आई है, जो मतलब हमारी पुरानी वाली जाली थी वो तो कूलर के साथ आई थी, तो उन लोगों ने कैसे किया था मुझे पता नहीं, पर ये वाला ना मेरा करते करते हालत ख़राब हो गया था। ये एकदम नया है, जो इसका सरिया लगा हुआ है पतला पतला, ये बहुत मोटा है, बहुत नया था, तो मुझसे मुड़ नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत कर करके कर करके मैंने इसको मोड़ा और जैसे तैसे इसको अंदर भेज दिया। बहुत ही सच में मेरे अंगूठे, नाखून सब दर्द करने लगा था इसको करते करते, और पसीना पसीना मेरे फेस फेस पर टप टप
पसीना टपकने लगा था, इतना परेशान हो गई थी मैं गर्मी से। लेकिन काम तो करना, वही कहते हैं ना, दुख पाके सुख होता है। तो थोड़ा सा मैं इस टाइम तो दुखी हुई, लेकिन जब कूलर चला और कमरा ठंडा हुआ ना, उफ मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कमरे में एसी चला रखी हो किसी ने, इतना ठंडा कमरा हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगा हाँ, मेहनत का फल मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और बहुत सी मतलब लेडीज़ होती हैं, मतलब जिनको नहीं पता होगा उन सबको भी पता चल जाएगा कि मतलब इस तरह हम कूलर की जाली वगैरह ख़राब हो जाए, घास ख़राब हो जाए, तो हम उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं मतलब ये चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मतलब क्यों बता रही है, मतलब बहुत से होते, मुझे भी नहीं पता था कि इसके जाली वगैरह अगर ख़राब, मुझे ये नहीं पता था जाली ख़राब भी हो जाएगी, पर इसकी ये जाली ख़राब भी हो गई, चेंज भी करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो बहुत सी लेडीज़ होंगी जिनको नहीं पता होगा, उन सबको पता चल जाएगा और उन सबकी हेल्प हो जाएगी, ये सोच के मैंने बताया। और ये देखिए, मैंने कूलर को पूरा साफ़ कर दिया चारों तरफ से, जैसे जैसे खिड़की लगाती गई साफ़ करती गई मैं। और ये देखिए, यहाँ बहुत सारा कचरा हो गया था, वैसे अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया था, जब मैं बाहर झाड़ू लगाने आई थी ना तब मैंने कूलर खोला, मैं चल पहले कूलर का ही काम कर देते हैं फिर करते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, कूलर का घास, मतलब अगर ये ताड़ी सही होती है जाली ना, तो बहुत दिन तक चल जाती, लेकिन हो गया तो हो गया, जाने दीजिए। और मतलब अभी मैं ये सारी सफाई कर लेती हूँ, और थोड़ा मतलब थकान भी हो गई, मन कर रहा है चाय पीने का, शाम भी हो गई है, और ये सब करने बैठी तो लगा नहीं इतना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग गया था इसको करने में। आई होप आप सबको अच्छा लगा ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कूलर की हवा खा के ना आत्मा ठंडी हो गई है मेरी, बहुत नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे कूलर की हवा खा के, सुकून सा मिल गया था, बाल ओल में सब पसीना आ गया था मेरे, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, एकदम बता नहीं सकती मैं आपको। चलिए बहुत हो गई कूलर की हवा, अब काम पे लग जाते हैं। ये मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी, ये तो ये बर्तन पड़े हैं, कढ़ी वगैरह खाली करके रखा है मैंने बर्तन धोने के लिए, और कपड़े भी धोने हैं, और शाम भी हो गई है, और जल्दी जल्दी ये सारा काम मुझे फिनिश करना है, तो ये फटाफट करके मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, यानी संडे है। ये शाम को जो कपड़े मैंने धोए थे, ये कपड़े हैं तनी पे सारे, अभी तक उतारे नहीं मैंने। और ये सारे कपड़े मैं दिखा के अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मेरा झाड़ू पोछा नहाना सब हो गया, झाड़ू पोछा मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया, सीधे मैं नहा के किचन में आई हूँ, क्योंकि आज है संडे, आज मुझे प्रसाद बनाना है, पूजा का खाना बनाना है। तो मैंने एक तरफ रख दिया चावल धुल के, दूसरी तरफ मैं दाल रख रही हूँ, 250 ग्राम करीब दाल है, चने की दाल है, आज इसकी ही पूजा होने वाली है हमारे यहाँ। और इस दाल की सबसे स्पेशल बात जो है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, इस दाल में तड़का नहीं लगेगा। ये देखिए, हरी मिर्च है, 8-10 हरी मिर्च है, एक लहसुन की पूरी पोथी मैंने छील दी थी, और 5-6 प्याज छील के काट लिए थे, और चने की दाल 250 ग्राम करीब चने की दाल है, धुल के रख लिया है। और इन सबको आप देख रहे हैं मैं सीधे पानी में ही ऐड कर रही हूँ, कुछ भी मतलब ना मैंने कुकर चढ़ाया गैस पर, ना मैं छमका छमकी कर रही हूँ, कुछ नहीं, कोई तड़का मसाला भूनना कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी ले लिया था, 2 चम्मच लगभग धनिया ले लिया था, 1 चम्मच लगभग मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच करीब मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया है। और इन सब चीज़ों को ही हम ऐसे ही डालेंगे, इनको भी हम कुछ भूनने वाले नहीं हैं, मसाले को भी हम तेल में किसी भी चीज़ में भूनने वाले नहीं हैं, और इसको भी हम ऐसे ही डालेंगे। ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया, और इन सारी चीज़ों को हम उसी में ऐड कर देंगे दाल में, जो कुकर में मैंने दाल डाला है, दाल और पानी। और ये देखिए, मैंने इसमें तेल भी डाल दिया, कच्चा ही तेल डाला है, सरसों का तेल है, ये कच्चा ही मैंने डाला, तड़का नहीं लगा। ये देखिए, मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक 1 चम्मच भर के डाला है मैंने पूरा, क्योंकि दाल ज़्यादा है तो ज़्यादा मतलब थोड़ा मसाला वसाला थोड़ा ज़्यादा ही डाला है मैंने, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पर ठीक ठाक डाल दिया है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, इसको मैंने नीचे ही डाल दिया, कि 5 आम है ये ज़रूर जाते हैं, मतलब पूजा वाले दिन 5 आम ही जाते हैं, वैसे 1 आम डाल के बना सकते हैं आप, ज़्यादा खट्टा ना पसंद हो 1-2 आम भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये देखिए, मैंने दाल में लगा दी सीटी, दाल सीटी लगा देंगे, 4-5 सीटी चने की दाल है, थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने 4-5 सीटी लगा लिया था। जब तक दाल और चावल पक रहे हैं तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और आज हमारे घर में मतलब पूजा चढ़ने वाली है, मेरे ससुराल में, मायके में सब जगह चढ़ती है ये पूजा, वैसे हम ससुराल में पिछले संडे को ही चढ़ गई थी, और मेरे मायके में आज इस संडे को चढ़ने वाली है, और मैं भी इसी संडे को कर रही हूँ, इसलिए नहीं मैं मायके की होल्ड कर रही हूँ, नहीं मैं ससुराल के हिसाब से चलती हूँ, जो वहाँ होता है वही करती हूँ मैं। लेकिन क्या हो, पिछले संडे को मंथली प्रॉब्लम की वजह से मैं पूजा कर नहीं सकती, और कोई लेडीज थी नहीं मेरे घर में जो मतलब कुछ करके दे, और हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे कि ये सब करेंगे, तो फिर
कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने मजबूरी में पिछले संडे को नहीं किया, इस संडे को मैं कर रही हूँ। तो हमारा चावल बन के रेडी हो गया। अब मैं दूसरी तरफ रख देती हूँ दाल, और जहाँ मैंने दाल रखा था वहाँ मैं बना लेती हूँ रोटी। रोटी हमारे यहाँ यहाँ धोती, पोड़, चपाती, जो भी मतलब आपके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको, बट ये बहुत अच्छी लगती है और यही बनती है। मतलब आज के दिन तो यही बनती है, दाल बनती है और ये वाली चपाती बनती है, जो मतलब डबल रोटी होती है उसको सिंगल करते हैं, बाद में दो रोटी एक साथ बेल के सिंगल कर देते हैं, चपाती कहते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं पोड़ कहते हैं इसको। और आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइए। ये दो मैंने आटे की लोइयाँ बना ली, उसके बाद एक में मैंने घी लगाया और एक में सूखा आटा, और दोनों को आपस में मिला के ऐसे बड़े सी कर ली। ये दो छोटी छोटी मतलब पूड़ी जितनी आटे लेके, और उसके बाद दोनों को लोई बना दी, और फिर उसके बाद इसको चकले बना के, चकई बना के, और उसके बाद उसमें जोड़ दिया। और फिर इसको हम रोटी की तरह, एकदम नॉर्मल रोटी की तरह बड़ा सा बेल देंगे, क्योंकि ये डबल है तो थोड़ा बड़ा ही बेला जाएगा, वरना बहुत मोटा रह जाता है। और ये बहुत पतली पतली रोटियाँ बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। और जानते हो एक साथ दो रोटी बन जाती है, ये बहुत मजे की बात है। पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था, बट अब अच्छा लगता है, जान गई हूँ सारे सीक्रेट, अब मैं किचन क्वीन बन चुकी हूँ, है ना। तो थोड़ा मतलब ये लीजिए, ये देखिए दो में एक रोटी के साथ दो रोटी सिंक के आ गई, और इसमें भी ऐसे ही दो रोटी का भी एक दिख रही है ना, लेकिन बाद में जब इसको खोलूंगी तो ये दो बन जाएगी। आप इस चीज़ को ट्राई करिएगा, अगर बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस चीज़ को ट्राई करे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी दाल की भी पाँचवीं सीटी आ गई, तो मैंने दाल बंद कर दिया, और हमारी ये धोती, पोड़, चपाती जो भी कहिए ये भी रेडी हो चुका है। अब मैं दाल को खोल के देख लेती हूँ कि मतलब दाल पकी है कि नहीं। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई थी, मैंने दाल एक दाना लेके इसे हाथ पे मैश किया तो तुरंत मैश हो गया था, तो दाल पक चुकी है। और आम डाल देते हैं, पहले आम नहीं डाला, अगर पहले आम डाल देती तो दाल कुक नहीं होता, खटाई की वजह से दाल कुक नहीं होती, इसलिए मैंने दाल को ऐसे ही पहले पका लिया। सब ऐसे पकाते हैं, मैंने अपने घर में ऐसे ही देखा है। अब मैं इसकी एक सीटी और लगवा दूंगी ताकि आम गल जाए, क्योंकि आम भी तो कच्चे हैं। और एक दिन बाबू ने कुकर पटक दिया तो पीछे जो लगा हुआ था इसका हैंडल वो भी टूट गया। और ये थोड़ी सी थेपड़ी है, कोई कंडी कहता है, कोई उपला कहता है, कोई गोष्ठे कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके मतलब अग्यारी पूजा, जो मतलब धूप खेते हैं नहीं धूप मतलब सुलगाते हैं, वो वाला मैंने किया है इसको। और अभी हम लोग पूजा करने के लिए, ये प्लेट है, वैसे मेरे घर में मतलब पूजा के लिए जगह अलग से बनी हुई थी है, लेकिन मैं मतलब किराए के घर में रहती हूँ तो मैंने ऐसा ही कर रखा है, प्लेट पे पूजा करती हूँ और प्लेट उठा के धुल के रख देती हूँ, फिर वापस पूजा पे उसी प्लेट पे रख के मैं दोबारा हर संडे को पूजा कर लेती हूँ ऐसा। और ये पीर बाबा के लिए पूजा की जाती है, जो मतलब पांचों पीर हैं उन पीरों की पूजा होती है। और सब मतलब मायके ससुराल में होता है तो फिर मुझे भी करना पड़ता है, अपने घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज है और मैं इसे निभाती हूँ। और बाबा लोग की कृपा से मैं सोचती हूँ बस मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और बहुत अच्छे से बनी रहती है। ये सब भगवान की और माता रानी की कृपा है, ऐसे ही भगवान बनाए रखे सबके घर में सुख शांति। तो यहाँ मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, पूजा में मैंने लिया है चने की दाल भिगा के ले लिया है, पतासे जो पतासे कहते हैं वो ले लिया है, धूप है, तेल का दीवा लगा लिया है, और ये लोहबान लिया है। पहले अग्यारी करेंगे लोहबान डाल के, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मीठा, दाल, खाना सब कुछ मतलब इसके ऊपर ही डाले जाएंगे और सारी चीज़ की अग्यारी कर लेंगे, और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दें, और बाकी अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, घर में सुख समृद्धि शांति बनाए रखें, मांग को सदा ही संपन्न बनाए रखें। तो ऐसी प्रार्थना के साथ मैंने ये पूजा की है। अगर मुझसे पूजा में कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये दाल मैंने छमका नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी दाल कभी बनती भी नहीं है, पूरे साल दाल बनाती हूँ पर इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी दाल कभी नहीं बनती है। तो आप लोग इस दाल को ज़रूर ट्राई करें, और अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे कर देती हूँ एंड, और हम सब भी खाना खा लेते हैं, प्रसाद भगवान ने भी खा लिया, आप लोगों ने भी खा लिया, हम सब भी खा लेते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।